मेरा नाम है शुभम और आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2020 के जो आज कल मतलब 20 तारीख को जो एडमिट कार्ड आने वाले थे उसकी जो डेट है पोस्टपोन्ड हो गई है, मतलब डेट जो बढ़ गई है। और इसके साथ साथ जो पेपर होने वाले थे अप्रैल में, वो सारे पेपर के डेट भी शेड्यूल उनका सारा चेंज होने वाला है, चेंज हो चुका है। और NTA की तरफ ही ऑफिशियल न्यूज है, jeemain.nta.in की ऑफिशियल साइट में आप लोग आइए और यहाँ पे पब्लिक नोटिस जो दिया हुआ है इसको आप लोग एक बार रीड कीजिए। जब भी आप पब्लिक नोटिस में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप पब्लिक नोटिस में जाएंगे तो पब्लिक नोटिस डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा है पोस्टपोनमेंट ऑफ ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन अप्रैल 2020। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप लोग एक बार विस्तार से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फीधे उनका कहने का मतलब ये है कि जो 20 तारीख को जो एडमिट कार्ड आने वाला था, वो 20 तारीख को जो उसका एडमिट कार्ड ना आके, वो अब एडमिट कार्ड की न्यू शेड्यूल जो है 31 मार्च, मतलब जो अभी कल जो आने वाला था 20 मार्च को जो एडमिट कार्ड आने वाला था, 31 मार्च के बाद जो होगा नया डेट फिक्स किया जाएगा। और जो 5th, 7th, 9th और 11th अप्रैल को जो जेईई मेंस के पेपर होने वाले थे दोस्तों, उनकी जो डेट है वो न्यू डेट जो होगी 31 तारीख को न्यू डेट जो होगी वो अपडेट की जाएगी। उसके लिए जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो jeemain.nta.in के ऑफिशियल साइट में विजिट करते रहें। न्यू अपडेट जैसे ही आती है आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वही कुछ अपडेट था। और हाँ, और नीट का जो न्यू डेट था वो उसमें कोई चेंजिंग अभी तक नहीं है, NTA ने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो आप लोग वीडियो के बाद बने रहें, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों की जरूरत है, मिलते हैं, तब तक लीजिए।